हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये वीडियो लिंक से थोड़ा हटकर है, जो हमारा पहले का वीडियो रहता है। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो, स्पेशली एक कैटेगरी के लोगों के लिए जो लोग कनाडा में हैं। मैं कनाडा मूव कर चुका हूँ, लाइफ की बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्लैग पोलिंग को लेकर बहुत सारा मिथ है कि फ्लैग पोलिंग में जाने के लिए आपको रात के 12 बजे क्यू अप करना पड़ेगा, सुबह 8 बजे ऑफिसर्स आएगा, वो 10 में से 2 लोगों को लेगा, बाकी लोगों को नहीं लेगा। इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम, ऐसा मैंने भी यूट्यूब पे काफ़ी सारा वीडियो देखा, मुझे कोई कहीं पे भी ढंग का इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। फिर मैंने बहुत सारे एजेंट्स को ट्राई किया पहुंचने का। कुछ एजेंट्स जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का 500 मांग रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं मैं आपको लेकर चलूंगा, फ्लैग पोलिंग करा दूंगा, जो कि 1,500 to 2,000 डॉलर्स मांग रहे हैं। सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि मैं खुद से एक वीडियो बना, खुद से ट्राई करता हूँ। और जब मैं ट्राई करने गया तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। ये मेरे एक्सपीरियंस की बात नहीं है, सही प्रोसेस जानो, एजेंट से बचो, बहुत स्मूथली आपका पूरा काम हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जाने के लिए, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, या तो आप ओपन वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं टूरिस्ट वीजा से ट्रांसफर करके, पीआर को छोड़ के आप किसी भी तरह वीजा के लिए जा रहे हैं वहां पे फ्लैग पोलिंग के लिए, आपको सबसे पहले 3 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका वैलिड पासपोर्ट है, सेकंड आपका वैलिड स्टेटस इन कनाडा होना चाहिए, जो कि स्टडी परमिट हो सकता है, वर्क परमिट हो सकता है, टूरिस्ट परमिट हो सकता है, इनमें से जो भी आपके लिए अप्लीकेबल हो। अगर आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका LMIA होगा, और अगर आप स्टडी परमिट के लिए जा रहे हैं तो आपका स्टडी परमिट, कोर्स कंप्लीशन लेटर एंड ट्रांसक्रिप्ट, ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। साथ में आपको 255 प्लस 6.5 डॉलर्स या तो कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपको चाहिए। तो प्रोसेस आपका शुरू होता है, ऑफिस ओपन होता है 8 o'clock, बंद होता है midnight को। मैं पहले गया था कल रात को 11 साढ़े 11 बजे, कल बोलने से 11 अप्रैल को 2023 करीब 11:15 साढ़े 11 बजे मैं पहुंचा था फ्लैग पोलिंग के लिए। बट वो ऑब्वियस बात है, वो एक उस टाइम पे कोई काम नहीं होता, बट मैं गया कि ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं कि कैसे क्या होता है। मैं ये सारा बात आपको लेविस्टन ब्रिज की बात बता रहा हूँ, जो कि नियाग्रा ऑन्टेरियो में है, कनाडा साइड में। तो ये ब्रिज पहले तो मैं बता दूँ 3 दिन ओपन होता है फ्लैग पोलिंग के लिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, और ये आपको 8 to 12 होता है। बट 12 o'clock, 11, 10 o'clock मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका एक रीज़न है, क्योंकि जब आप US साइड जाएंगे वहाँ से करके आएंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर में टाइम लगता है। तो अगर वो 12 o'clock आप 11:30 जाएंगे तो आपका हो ही नहीं पाएगा, और 12 o'clock वो लोग बंद कर देंगे, वो लोग लेंगे भी नहीं। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कि क्या ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गया। इसके अलावा आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में मैंडेटरी नहीं है बट गुड टू हैव है, आपको अपना एक फोटो आईडी कार्ड ले लो, या तो ड्राइवर लाइसेंस है, या तो फिर आपके पास फोटो आईडी कार्ड है, या कॉलेज का स्टूडेंट आईडी कार्ड है, वो हिप है, कुछ भी आप एक रख लो अपना आइडेंटिटी के लिए। इसके अलावा और अगर आपको गुड टू हैव में कुछ है तो आप एक अपना, हाँ, एग्जम्पशंस अगर आपका कोई है तो वो एग्जम्पशंस आप अपना रख लो। एग्जम्पशंस के बारे में बताऊंगा कि किस टाइप के एग्जम्पशंस का मैं बात कर रहा हूँ, वो हर किसी के एप्लीकेबल नहीं है, तो वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ये इतना हो गया। आपके पास एक गाड़ी विद ड्राइवर होना चाहिए। गाड़ी विद द ड्राइवर बोलने का मतलब है कि जो भी आपके साथ जा रहा है, अगर आप खुद ड्राइव करके जा रहे हो गुड है, अगर आप किसी के साथ जा रहे हो तो उसका भी पासपोर्ट उसको बोलना रख लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पासपोर्ट मांगेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ जा रहा है उसको US का वीज़ा होना चाहिए, वो जो भी आपके साथ ही और सी जा रहे हैं उनका वैलिड स्टेटस होना चाहिए कनाडा में। आइदर वो स्टूडेंट हो सकता है, या वर्क परमिट हो सकता है, या PR हो सकता है, या सिटीजन हो सकता है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जाने के लिए, मान लो आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, अगर आपके पास G2 लेवल का भी लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो कनाडा में उनको मालूम है G2 और G क्या होता है, तो आप गाड़ी कार रेंटल से भी ले सकते हो, और कार रेंटल से भी आप गाड़ी लेकर जा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आप अपना लेविस्टन ब्रिज पे सुबह 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जब भी आपको जाना है रात के 10 बजे से पहले जाओ, ट्यूजडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को। आपको कहीं नहीं रुकना है, आपको सीधा लेविस्टन ब्रिज से इन करना है, और आपको कनाडा साइड में कुछ नहीं रुकना है, कहीं आप ड्यूटी फ्री पे मत रुकना, सीधा आप ब्रिज को क्रॉस करके US चले जाना। US साइड में जब जाओगे तो वहाँ पे आपको जो ऑफिसर्स का बूथ होता है, ऑफिसर्स के बूथ पे आपको रुकना है, उनको आपको बताना है कि आप फ्लैग पोलिंग के लिए आए हो, आप अपना पासपोर्ट उनको हैंड ओवर करोगे, वो एक व्हाइट कलर का रिसीट देंगे, उस पर एक नंबर लिखा होगा,
उसके बाद जैसे ही आप जब अंदर जाओगे, अच्छा आपके साथ जो भी साथ में भी अगर किसी को लेके जा रहे हो तो वो भी आपका पासपोर्ट और दोनों का पासपोर्ट वहाँ पर जो भी बूथ में बैठा होगा यूएस साइड का ऑफिसर वो ले लेगा और उसके बदले आपको एक रिसीट देगा। वहाँ से जैसे ही आप आगे बूथ से निकलोगे, वहाँ पे आगे में पार्किंग है, पार्किंग में आपको गाड़ी खड़ी करनी है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद पार्किंग से जस्ट लगा हुआ है कि इमिग्रेशन ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जाना है ग्राउंड फ्लोर पे ही, और वहाँ पर जाकर के आपको वेट करना है। आपको किसी को कुछ बात नहीं करना है, उन लोगों को पहले ही मालूम होता है। एक 10-15 मिनट के बाद वो आपका पासपोर्ट लेकर के आ जाएगा, कोई पासपोर्ट लेकर आ जाएगा, या तो फिर कुछ केस में ऐसा होता है कि आपको बुलाएगा किसी काउंटर पे, काउंटर पे बुलाएगा, उसके बाद आपका नाम वहाँ पे कॉल करेगा, आप उस काउंटर पे जाइए, काउंटर पे जाने के बाद आपका फोटो लेगा, फिंगरप्रिंट्स लेगा, और आपके साथ अगर कोई गए हैं तो उनका भी ये चीज़ होगा, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि जो गए हैं उनका नहीं होगा, उनका भी ये चीज़ होगा। और एक 10-15 मिनट उसके बाद और लेगा, वो लोग डिटेल्स वगैरह चेक करता है कि सब कुछ सही है। उसके बाद फिर आपको एक ऑफिसर आएगा अंदर से, आपका पासपोर्ट लेकर के आपको बोलेगा पार्किंग से आप अपना गाड़ी निकालो। पार्किंग का जो एग्जिट पॉइंट रहेगा वहाँ पर आपको जैसे जाओगे आपको वहाँ पे ऑफिसर आपके सामने बैरियर बैरिकेशन लगा होता है, बैरिकेशन को हटाएगा और वहाँ पे आपको आपके हाथ में पासपोर्ट दे देगा। वहाँ पे पासपोर्ट ले लो और आप वहाँ से निकल जाओ। वो जो एग्जिट पॉइंट होगा वो एग्जिट पॉइंट आपका सीधा कनाडा की तरफ आएगा, आप यूएस में एंटर नहीं कर सकते हो। कनाडा की तरफ जब आप आ गए, ब्रिज क्रॉस कर लिए, कहीं रुकना नहीं है। अब यहाँ पे जो कनाडा साइड का बूथ होगा वहाँ पे आपको जो भी ही और सी ऑफिसर होगा वो आपको पूछेगा कि अच्छा, जब आपको पासपोर्ट लौट आएगा उसमें आपको एक पेपर भी देगा, वो पेपर होगा उसमें लिखा रहेगा एंट्री रिफ्यूज्ड ऑब्लिक डिनाइड, तो वो आपको लेके जाना है। वही आपका फ्लैग पोलिंग का एक मतलब आइडेंटिटी है कि आप फ्लैग पोलिंग करके आ रहे हो। जब आप कनाडा साइड जाओगे तो वहाँ पर जाकर आपको ऑफिसर को बताना है, आपसे वो पासपोर्ट मांगेगी, आप पासपोर्ट दोगे। पासपोर्ट एकदम हैंडी रखना, यहाँ तक आपको पासपोर्ट के अलावा और किसी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं है। पासपोर्ट आप दिखाओगे, रिफ्यूजल लेटर मांगेगी, वो दे दोगे आप उसको। उसके बाद आपको येलो कलर का एक स्लिप लिख कर देगी जिसके ऊपर लिखा रहेगा फ्लैग पोल। अब आपको वो पूछेगी क्यों आए हो, क्यों जा रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगी, सी इज नॉट सपोर्ट, आपको इंट्रोगेट नहीं करेगी। आपको वहाँ पे जस्ट उसे आगे बढ़ोगे, उसके बाद आपको वहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग में आप अपना गाड़ी लगा दो। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका CBSA का ऑफिस। अच्छा, यहाँ से ये नहीं है कि आप उस लेडी से फ्लैग पोल का येलो रिसीट लेकर के आप चले जाओ, क्योंकि उसके आगे टोल भी आता है, तो आपको ऐसे नहीं जाना है। आपको वहाँ पे CBSA का जो ऑफिस है वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस में जाना है, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे ही है। वहाँ पे कुछ 6-7 काउंटर हैं और 6-7 ऑफिसर भी रहते हैं, काफ़ी फास्ट होता है वहाँ पे काम। आप वहाँ पे जाओगे, आपको वो एक फॉर्म देगा भरने के लिए, फॉर्म में कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं रहेगा, उसमें आपका नाम, एड्रेस डिटेल्स, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारा रहेगा, और आपका जो प्रीवियस परमिट है मतलब करेंट परमिट जो है, जो भी आपका वर्क परमिट हो, स्टडी परमिट हो, जो भी, उसका UCI नंबर आपको उस पर लिखने के लिए बोलेगा। वो आप लिख दो, उसके बाद आप आराम से वेट करो। और जो मैंने 4 डॉक्यूमेंट शुरू में आपको बताए थे, 4 डॉक्यूमेंट्स क्या मैंने बताया था, पासपोर्ट आपका, आपका वैलिड स्टेटस, अगर आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हो तो LA में आइए, अगर आप स्टूडेंट परमिट के जा रहे हो तो स्टूडेंट परमिट आपका, विथ कोर्स कंप्लीशन लेटर एंड आपका ट्रांसक्रिप्ट, इतना चीज़ आप उसके हाथ में दे दो। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं है। एग्जम्पशन के केसेस में मैं आपको बताता हूँ लास्ट में कि एग्जम्पशन में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देना है। वो आप वहाँ पे दे करके आप आराम से आकर अपना, वहाँ पे वेटिंग एरिया होता है, सामने में ही बैठ जाओ। वो आपको 15-20 मिनट का टाइम लेंगे, उसके बाद फिर आपका नाम कॉल करेंगे, आपका नाम कॉल करने के बाद सब कुछ ओके रहेगा तो आपको बोलेंगे आप जा करके फी पे कर दो। उसी हॉल में राइट साइड में कॉर्नर पे कैशियर का काउंटर है, वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या तो फिर आप कैश से पे कर सकते हो। दो वहाँ पे चेक का भी ऑप्शन है, बट आई डोंट नो चेक में क्या, देखो इतना जब आप जाओगे तो आप खुद भी मेंटली प्रिपेयर रहना, इतना मुझे टेंशन नहीं लेना, कैश है तो कैश दे दो, चेक है सॉरी क्रेडिट डेबिट कार्ड है तुरंत स्वाइप करो और ख़त्म करो। अब आप किसी और के कार्ड से पे कर सकते हो कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो मैं अपने कार्ड से पे किया था और मैं आपको भी बोलूँगा अपने कार्ड से पे करो, इतना उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप फ्लैग पोलिंग के लिए जा रहे हो और फ्लैग पोलिंग के लिए वही जाता है जिसको अर्जेंट होता है, तो इतना वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। आप वहाँ पे करके आओगे, फिर आप अपना बैठ जाओ वहाँ पे, फिर आप ऑफिसर बुलाएगा आपको, ऑफिसर के पास जा करके आप वो पेमेंट का रसीद दे दोगे उसको, वो रिसीट आपको वापस करेगा, बट आप वो देखेगा, देखने के बाद आपको परमिट दे देगा। परमिट लेने के बाद परमिट में क्या क्या चेक करना है, आपका परमिट का डेट, जिस दिन आपने गया वहाँ उस दिन का, जो भी आपका 1 साल 3 साल जो भी आपका वैलिड होना चाहिए, अगर आपने एक साल का कोर्स किया तो आपको 1 साल का परमिट मिलेगा, 2 साल का कोर्स किया तो 3 साल का मिलेगा, जो भी है वो मैच कर लेना। उसके बाद नाम वगैरह का स्पेलिंग देख लेना, डेट ऑफ बर्थ देख लेना। नीचे में एक चीज़ हमेशा याद रखना, नोट में वहाँ पर लिखा रहता है
आपको एक सेंटेंस लिखा रहता है कि आपको कब कंट्री से एग्जिट करना है, वो डेट और आपका परमिट का लास्ट डेट मैच होना चाहिए। मेरे केस में ये मैं मिस कर गया था, तो मेरा 2026 तक परमिट वैलिड है, बट गलती से वहाँ पे 2025 लिखा जा चुका है। मैं उसको बाद में करेक्ट कराऊंगा, क्योंकि मैं उस समय नहीं देखा, मैं घर आने के बाद देखा हूँ, तो उससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं गलती कर गया। इट डजंट मीन कि आप भी गलती करके आओ। तो ये पूरा प्रोसेस है, उसके बाद आप वहाँ से परमिट लेकर के, वो आपको ऑफिसर भी बोलेगा कि इफ़ यू वांट प्लीज़ चेक दिस, आप वहाँ से लेकर के निकल जाओगे, ये नहीं कि एक्साइटमेंट में वापस से चेक नहीं किया और आ गए। उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी लेकर निकलोगे तो आगे एक टोल आएगा, वहाँ पे आपको $6.5 कैनेडियन डॉलर का आपको पेमेंट करना है टोल का, ब्रिज का यूज़ किए इसके लिए, और उसके बाद आप गुड टू गो है। चलिए अब आपको एग्जाम्पल्स के बारे में बताते हैं। जैसे मेरे केस में क्या था कि मेरा 2 साल का स्टडी था, सितंबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक, उसमें एक सेमेस्टर ब्रेक होता है, बट मैं सेमेस्टर ब्रेक भी नहीं लिया, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया हूँ पोस्ट ग्रेजुएट में, तो मैं कंटिन्यू स्टडी किया, तो मेरा जो 20 मंथ्स का स्टडी था वो मैंने 16 मंथ्स में किया। इसके बाद मैंने 3 सेमेस्टर इंडिया से किया, क्योंकि IRCC ने अलाउ किया था अगस्त 2022 तक, आप लोगों को याद होगा कि होम कंट्री से कर सकते हो और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा PGWP पे, तो मैंने 3 सेमेस्टर कर लिया। तो जब ट्रांसक्रिप्ट और मेरा ये देखा गया वहाँ पे पासपोर्ट कि मेरा तो कंट्री में एंट्री ही 16 सितंबर 2022 का है, तो फिर इतना मतलब फास्ट मेरा कोर्स कैसे कंप्लीट हो गया, वो भी 2 ईयर्स का। तो मैंने उसके लिए IRCC के वेबसाइट पे एग्जम्पशन का डिटेल्स दिया हुआ है, मैंने उसका प्रिंट आउट पहले ही लगा दिया था, उसके साथ मैं एक इंडिया जा रहा हूँ रीज़न क्यों था, तो मैं इंडिया जा रहा था उसका भी मैंने एक टिकट लगा दिया था, ये सब सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए थे। इसके अलावा थर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंने अपना जॉब का ऑफर भी लगा दिया था कि ऑलरेडी मतलब मैं लीगली वर्क कर रहा हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे लोग बोलेंगे इतना एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एट प्रेजेंट आप जिस जॉब में, फुल टाइम जॉब में, उसका आप लगा सकते हो ना। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो आप आज भी वही जॉब कर रहे हो जो आप स्टडी के टाइम से कर रहे थे, तो उसका ऑफर मत लगाना। क्यों नहीं लगाना, उसका रीज़न है कि जैसे ही आपका स्टडी कंप्लीट होता है, क्योंकि मैं स्टडी के टाइम पे कोई जॉब नहीं किया था, तो जैसे ही आपका स्टडी कंप्लीट होता है, जिस दिन आपका लास्ट एग्ज़ाम होता है, आप देखना कोर्स कंप्लीशन लेटर पर लिखा रहेगा, उस दिन से जब तक आप फाइनल PGWP अप्लाई नहीं करते हो ऑनलाइन, तब तक आपको काम नहीं करना है। अगर आप ये चीज़ बोल दोगे वहाँ पे, तो आपको रिजेक्शन आएगा, और मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि लोग ये गलती कर देते हैं और बोल देते हैं कि हाँ ठीक है मैंने पहले जॉब किया है, या तो पार्ट टाइम या तो कैजुअल वर्क किया, वो नहीं करना है। तो ये एक शॉर्ट एंड क्रिस्प है। नाउ अब आते हैं वापस से कि ये जो इतना सारा इश्यूज है कि यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, इतना टाइम लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी टाइम जाओ। मैं बाकी ब्रिजेस का बात नहीं करूँगा, रेनबो पे थोड़ा सा इसके लिए रश होता है क्योंकि रेनबो पे लोग वॉक करके जाते हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा आदमी है जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, या तो उसके पास कोई ना कोई बंदा होगा जिसके पास गाड़ी होगा जो ड्राइव करके ले जाएगा, या तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप खुद ड्राइव करके जा सकते हो, क्योंकि रेनबो पे एक रकस क्रिएट होता है वो वॉक इन के कारण, और बहुत सारे लोग जो है रेनबो पे परमिट और फ्लैग पोलिंग के लिए नहीं आते, ऐसे भी ब्रिज क्रॉस करते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि रेनबो से बचो, दूसरे ब्रिज पे जाओ। अगर मान लो कि 100-200 आपका गाड़ी में खर्च भी हो रहा है, घूमने भी तो जा रहे नहीं आगरा, तो वहाँ पे भी आपका वो यूटिलाइज हो रहा है। और अगर मान लो किसी को नहीं घूमने जाना, सिर्फ फ्लैग पोलिंग ही पर्पज, तो आप किसी भी समय आप टोरंटो या तो GTA जहाँ भी रहते हो वहाँ से आप निकलो, जाओ आराम से वहाँ पे फ्लैग पोलिंग करो, 3-4 घंटे में वापस आ जाओ। मेरे केस में मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे थे, क्योंकि मेरा केस कॉम्प्लिकेटेड था, मैं कोई ब्रेक नहीं लिया, मैं एक्स्ट्रा कोर्स लेकर के और जल्दी कंप्लीट किया। तो ये सारी चीज़ें से ऑफिसर क्या है कि उसको भी लग रहा था कि ऐसा कैसे है कि जल्दी कोर्स ख़त्म हो गया, एक्स्ट्रा कोर्स लिया हुआ है। और मेरे कोर्स में फर्स्ट ईयर का 2 अलग अलग सेमेस्टर नहीं है मेरे ट्रांसक्रिप्ट में लिखा हुआ, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर ऐसे फर्स्ट ईयर करके लिखा हुआ है, तो उससे उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था समझने में। दो मजे से जो पूछा मैं बता दिया, मैं उसको और क्लैरिफाई भी कर दिया कि यस ये कारण है, ये ऐसे है, और सारा डॉक्यूमेंट्स मैं पहले से लगा के रखा था। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए बिल्कुल मत परेशान हो, मैं डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी लगा दूंगा। एजेंट्स के चक्कर में मत पड़ो, एजेंट्स आपसे आराम से $1,000 $1,500 ले लेगा और कुछ नहीं करेगा, और आपके साथ कोई भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको अकंपनी करने के लिए US का वीज़ा होल्डर चाहिए या कनाडा का सिटीजन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आपके साथ जा सकता है, बस उसका वैलिड स्टेटस होना चाहिए।
एक चीज और याद रखना कि बहुत सारे लोग मेरे फेसबुक पे भी कमेंट कर रहे थे कि वहाँ पे डिनाइल होने से यूएस का वीज़ा इंपैक्ट हो जाएगा, इन फ्यूचर में अप्लाई करेंगे तो. ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि सबको मालूम है फ्लैग पोलिंग इज अ लीगल प्रोसीजर. ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं. आपको विजुअल्स भी काफ़ी सारा मिल गया होगा कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है. फिर जैसा रहेगा आपको बाद में आपको कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो.